गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप भलीभांति परिचित हैं कि कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको इंग्लिश रीडर के लेसन वन की जानकारियां दी, उनके क्वेश्चंस बताए, उनके आंसर भी मैंने बोर्ड पर आपको वीडियो में दिए। आज हम इसी अपने इंग्लिश बुक के सिलेबस की एक पोयम लेते हैं और इसे समझते हैं और इसके क्वेश्चंस के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस इस पोएट्री सेक्शन से हमारे एग्जाम में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि पोयम वन है हमारी द फाउंटेन। फाउंटेन का मतलब होता है स्टूडेंट्स एक फव्वारा। आपने फव्वारे कहीं ना कहीं पार्क्स में और पब्लिक प्लेसेस पे कहीं ना कहीं या राउंड अबाउट पर कहीं ना कहीं देखे होंगे। स्प्रे होता है जिसमें पानी की फुहार निकलती है और वो महीन ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो कुछ बड़े होते हैं जब निकलते हैं, फिर वो महीन पतले ड्रॉपलेट्स में बट जाते हैं और वो फव्वारा जो होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम के जो पोएट हैं वे हैं जेम्स रसेल लवेल। आप इन्हें शॉर्ट फॉर्म में जे आर लवेल भी लिख सकते हैं। तो हमारा स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है वो पोएट्री सेक्शन में से ही होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जितने भी आपके सिलेबस में पोएम्स दी होती हैं उसमें से कोई एक एक्सट्रैक्ट आता है एंड दिस एक्सट्रैक्ट इज फॉलोड बाय टू क्वेश्चंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 marks ईच। इट मींस टोटल मार्क्स 4 के आपसे 2 questions पूछे जाते हैं उसमें, और इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका 4 marks का होता है। यहाँ पर मैंने आपको स्टूडेंट्स मेंशन करके सेपरेटली मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये 2+2, ये 2+2 के कॉम्बिनेशन में होता है, यानी कि इसमें 2 questions होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 होता है, उसमें वो आपका 3 marks का होता है। उसमें आइदर यू कैन राइट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम prescribed your syllabus or you can write 4 lines. You are asked to write 4 lines of any poem given in your syllabus, but it should not be the extract given in question number 5. This you will have to keep in mind that the lines that you are going to write in your question paper should not be those lines that is given in your question number 5. It means question number 5 में जो extract दिया होता है ये वो line नहीं होनी चाहिए जो आप question number 6 में लिख रहे हैं, तो ये आपको ध्यान देना। चलिए एक extract लेते हैं और समझते हैं कि ये extract हमें इस poem के बारे में क्या बता रहा है और इसके बारे में short में जो details हैं poems की और जो extract हैं उनके बारे में short में अभी मैं आपको जानकारी दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट है स्टूडेंट्स, जिसमें लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। यहां पर स्टूडेंट्स मैंने दी का मतलब यहां पे लिखा है यू, मैंने आपको समझने के लिए बताया है, क्योंकि इंग्लिश में एक प्रोनाउन जो होता है वो ऐसा होता है जो कि ऑब्सोलीट है। नॉर्मली उसको पोएट्री में ही पोएट्स यूज करते हैं और वो है ये दी। इसका जो सब्जेक्ट होता है वो दाऊ होता है, THOU। दी जो होता है THEE, इसका ऑब्जेक्ट होता है। दाई THY, इसका पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और दाइन इसका पजेसिव THINE, इसका पजेसिव प्रोनाउन होता है।
तो ये वो लाइन्स हैं, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माय हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। तो स्टूडेंट्स इसमें नॉर्मली हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, जो आपको एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है ऊपर, उस कविता का पोएम का टाइटल क्या है एंड वो पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है टाइटल ऑफ द पोएम आप कॉलन लगाइए यहाँ पे, द फाउंटेन एंड नेम ऑफ द पोएट आप लिखिए शॉर्ट में जे आर लवेल। स्टूडेंट्स इसका पूरा नाम भी फुल फॉर्म ऑफ द नेम भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वाई हैज द फाउंटेन बीन एड्रेस्ड एज ग्लोरियस। फाउंटेन को, फव्वारे को इस कविता में शानदार क्यों कहा गया है। स्टूडेंट्स आंसर है इसका ग्लोरियस मीन्स स्प्लेंडेड, ग्लोरियस का मतलब होता है स्प्लेंडेड यानी कि शानदार। द फाउंटेन गोज हायर एंड हायर, फाउंटेन की एक क्वालिटी होती है वो हमें एक सीख देता है कि वो उसका मूवमेंट अपवर्ड है, वो हमें प्रेरित करता है। फाउंटेन इंस्पायर्स मैन टू गो हायर एंड हायर, इट मीन्स ही इट एनकरेजेस मैन टू बी प्रोग्रेसिव इन हिज अप्रोच टू लाइफ, यानी कि जीवन के प्रति जो उसका दृष्टिकोण है फव्वारा में बताता है कि जीवन के प्रति आपका जो दृष्टिकोण होना चाहिए वो उन्नति की ओर होना चाहिए, विकास की ओर होना चाहिए। तो वही इसका मतलब है हायर एंड हायर, ऊंचा श्रेष्ठ की ओर बढ़ना। सो इट इज ग्लोरियस, इस वजह से फाउंटेन को ग्लोरियस शानदार कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 आता है स्टूडेंट्स, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन डज द पोएट विश टू हैव। अब जब फाउंटेन को उसने हमें एक पर्सोनिफाई करके प्रस्तुत किया है तो वो इंसान से चाहता, एक्सपेक्ट करता है पोएट कि वो भी फाउंटेन से कुछ सीख ले। इसी के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 3 कि वो कौन से गुण हैं जो कवि चाहता है कि फाउंटेन मनुष्य को कुछ सिखाता है, कौन से गुण हैं, व्हाट क्वालिटीज ऑफ द फाउंटेन, कवि कौन से गुण वो चाहता है कि जो फाउंटेन की तरह उसके व्यक्तित्व में भी हो। आंसर है द पोएट विशेस टू बी फ्रेश चेंजफुल कांस्टेंट एंड अपवर्ड लाइक द फाउंटेन। पोएट विश करता है कि फाउंटेन के ही तरह वह तरोताजा, परिवर्तनशील, सतत और प्रोग्रेसिव, अपवर्ड का मतलब होता है प्रोग्रेसिव रहे फाउंटेन की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, पॉइंट आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। इस स्टेंजा के अंदर राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी हम राइमिंग वर्ड्स की बात करते हैं तो यू नीड टू पे अटेंशन टू द लास्ट वर्ड्स ऑफ ईच लाइन। चलिए हम देखते हैं, आप देख रहे होंगे इस एक्सट्रैक्ट के अंदर कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है फाउंटेन, सेकंड पंक्ति का लास्ट वर्ड है बी, थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है कॉन्स्टेंट एंड फोर्थ का है दी। इनी वर्ड, वो चार वर्ड हैं जिन पे हमें ध्यान देना है। अब फाउंटेन के अंदर वॉवल साउंड एन की है जो कि हमें इन इस वर्ड में, इसमें यानी कि सेकंड, थर्ड और लास्ट वर्ड्स में, इनमें हमें नहीं मिल रही है। बट ये जो बी वर्ड है ये दी से राइमिंग इसकी मिला रहा है, वॉवल साउंड इनकी सेम आ रही है बी एंड दी, तो यही वो हमारे टू वर्ड्स हैं विच राइम टूगेदर। तो वो ये वर्ड है देखिए स्टूडेंट्स कि बी राइम्स विद दी। तो ये वो एक्सट्रैक्ट है जो क्वेश्चन नंबर 5 बनता है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी आप 4 लाइंस पोएम की किसी की भी जिसकी भी आपको अच्छी लगे, बेटर ये है कि आप 8 लाइंस याद कर लें, चाहे तो एक ही पोएम की या अलग अलग पोएम की, जिससे कि अगर कोई एक्सट्रैक्ट अगर आपके एग्जाम में वो आ जाए तो आपको वो जो 4 लाइन नेक्स्ट आपने याद कर रखी है वो आप लिख पाए। एटलीस्ट 8 लाइन्स ऑफ द पोएम मस्ट बी कमिटेड टू मेमोरी बाई यू सो दैट यू मे नॉट हैव एनी डिफिकल्टी इफ द क्वेश्चन ऑफ एक्सट्रैक्ट अपीयर्स इन द एग्जामिनेशन इन योर क्वेश्चन पेपर। तो ये वो एक्सट्रैक्ट है
और स्टूडेंट्स ये पोएम को ग्रेटर डिटेल्स में मैं आपको किसी ना किसी वीडियो में जरूर पढ़ाऊंगा। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।